वेलकम एवरीवन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ मीली मशीन इनटू मूरे मशीन। सो दिस इज द प्रॉब्लम। आवर इनपुट अल्फाबेट इज 0,1 एंड द आउटपुट अल्फाबेट इज a,b, राइट? सो वी विल गिव द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस, एंड वी विल गेट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी, राइट? ये हमारी मीले मशीन की टेबल है। सो इन दिस टेबल यू कैन सी देर आर फोर स्टेट्स। सो Q1 इज द इनिशियल स्टेट एंड देर आर टू पॉसिबल इनपुट्स 0 और 1, एंड फॉर यू नो फॉर एवरी इनपुट वी आर हैविंग अ करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। इन दिस वी आर हैविंग टू आउटपुट कॉलम्स, सो ऑब्वियसली दिस इज अ मीले मशीन, right? Now when we start the conversion from Miele to Moore, so first of all हमें क्या देखना है कि which are the states जो हमें as it is रखनी है और कुछ state ऐसी होंगी that we need to decompose, okay? क्योंकि Moore machine में क्या होता है कि जो हमारा output है वो state के corresponding होता है, ठीक है? तो हमें Miele machine के अंदर सबसे पहले ये check करना होगा वेदर अ पर्टिकुलर स्टेट इज जनरेटिंग सिंगल आउटपुट और इट इज जनरेटिंग डिफरेंट आउटपुट इन द मीले मशीन। आई विल स्टार्ट विद Q1, राइट? तो अगर इस टेबल में मैं देखूं तो यहाँ पे देखो लाइक Q1 इज देयर, उसका करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट देखना है, सो आउटपुट इज बी। देन यहाँ पे भी Q1 है और इसका भी आउटपुट बी है। आई कैन सी फ्रॉम दिस टेबल कि Q1 इज जनरेटिंग ओनली अ सिंगल आउटपुट दैट इज बी, कोई इशू नहीं है, आई विल पुट इट एज इट इज, राइट? अब मैं Q2 की बात करता हूं। जब हम Q2 देखेंगे तो Q2 यहाँ पे है, सो Q2 इज जनरेटिंग आउटपुट बी एंड हेयर इट इज जनरेटिंग आउटपुट ए, राइट? नाउ दिस इज द इशू, मैं इसे इस स्टेट को एज इट इज Moore मशीन के अंदर नहीं रख सकता क्योंकि ये डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर रही है। सो वट आई डू हेयर, आई विल डिकम्पोज इट इन टू टू स्टेट। मैं Q2 को दो स्टेट में डिकम्पोज करूंगा, वन इज Q2A एंड अदर वन इज Q2B। बेसिकली Q2A क्या है, Q2 विद आउटपुट ए एंड Q2B इज Q2 विद आउटपुट बी। अब आते हैं Q3 पे। तो अगर हम Q3 देखें तो Q3 यहाँ पे आउटपुट ए जनरेट कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर कॉलम एंड हेयर ऑल्सो इट इज जनरेटिंग आउटपुट ए। सो Q3 दोनों जगह आउटपुट ए जनरेट कर रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं उसे एज इट इज Moore मशीन में रख सकता हूँ। अब Q4 की बात करते हैं। Q4 यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर रहा है बी और यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर रहा है ए, तो फिर से दो डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर रहा है। सो व्हाट आई विल डू, I'll again decompose it into Q4A, that is Q4 with output A and Q4 with output B. ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब जो स्टेट मेरे पास आई है, मैं इक्विवेलेंट Moore मशीन बना रहा हूँ, वहां पे मैं इन स्टेट को रख लूंगा। I'll have Q1 और Q1 मेरी पहले भी इनिशियल स्टेट थी, यहाँ भी इनिशियल स्टेट रहेगी। अब Q2 जैसी कोई स्टेट नहीं है, उसे मैंने डिकम्पोज कर दिया इंटू Q2A एंड Q2B। Q3 एज इट इज है और Q4 को भी मैंने डिकम्पोज किया इनटू Q4A एंड Q4B, ठीक है? नाउ आई एम हैविंग टू इनपुट्स a=0, a=1, तो क्योंकि ये Moore मशीन है तो इसमें एक सिंगल आउटपुट कॉलम रहेगा, राइट? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट लिखने से पहले, अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बेसिकली हेयर आई विल राइट द नेक्स्ट स्टेट। क्योंकि नेक्स्ट स्टेट ही चेंज होगी, आउटपुट सेम रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। तो सबसे पहले हम आउटपुट लिख लेते हैं। जैसे यहां से मुझे पता है कि Q1 का आउटपुट मेरा बी ही रहने वाला है, Q2A दैट इज ऑब्वियसली Q2 विद आउटपुट ए, आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। Q2B Q2 विद आउटपुट बी, तो इसका आउटपुट बी हो गया। Q3 का आउटपुट ए है ना, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरा Q3 का आउटपुट ए है।
Q4A इज एक्चुअली Q4 विद आउटपुट ए, तो आउटपुट ए हो गया, दिस इज आउटपुट बी, Q4 विद आउटपुट, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मीली मशीन के टेबल में जाना पड़ेगा। तो Q1 पे 0 पे क्या हो रहा है, आई एम गोइंग टू Q3, Q3 मेरा यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, Q3 लिख दूंगा। नाउ सी, व्हेन Q1 इज गेटिंग द इनपुट 1, तो Q1 पे 1 इनपुट पे क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू Q2, राइट, इन मीले मशीन। बट अभी Q2 जैसी हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, हमारे पास या तो Q2A है या Q2B है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, Q2A लिखूँ या Q2B लिखूँ, वो डिपेंड करेगा Q2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे। तो दिस इज व्हाट Q2 विद आउटपुट ए, तो आई नीड टू राइट Q2A। ओके, अब Q2A की बात करते हैं, तो Q2A इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज Q2 विद आउटपुट ए। तो उसमें Q2 वाली नेक्स्ट स्टेट मुझे लिखनी होगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले Q1, राइट। अब Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, Q4 पे जा रहा है, Q4 जैसी कोई स्टेट नहीं है, तो मुझे उसका आउटपुट देखना पड़ेगा। सो दैट इज Q4 विद आउटपुट ए, सो इट इज Q4A। अब नेक्स्ट स्टेट Q2A और Q2B दोनों की सेम रहने वाली है, क्योंकि उनका सिर्फ आउटपुट डिफरेंट है, तो वो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा। आई विल राइट Q1 Q4A। Q3 से नेक्स्ट में कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू Q2 विद आउटपुट बी, सो दैट इज Q2B। देन इट इज गोइंग टू Q1। Q4 कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू Q4 विद आउटपुट बी, सो दैट इज Q4B। देन Q3 Q4B एंड Q3, राइट। तो ये हमारी टेबल आ गई। तो हम क्या करते हैं, फटाफट एक चेक कर लेते हैं इसकी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस कैसे चेक करेंगे, हम आउटपुट चेक करेंगे। विल टेक सम सैंपल इनपुट, लेट से इनपुट मैंने ले लिया 0101। तो 0101 पे मैं चेक करता हूँ व्हाट आई एम गेटिंग इन मीले मशीन। मीले में आउटपुट क्या आ रहा है, मुझे सिर्फ आउटपुट देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला सिंबल है 0, तो Q1 पे जब 0 सिंबल है, तो व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग, ए। और नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q3। अब मैं Q3 पे जाऊंगा और नेक्स्ट इनपुट यहां से स्कैन करूंगा, दैट इज 1। Q3 पे इनपुट 1 कहाँ जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, बी। और नेक्स्ट स्टेट है Q1, देन 0। Q1 पे 0 कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, आउटपुट दे रहा है ए। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया ए, राइट। नेक्स्ट इज Q3 एंड इनपुट इज, लास्ट इनपुट सिंबल इज 1। तो Q3 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, आउटपुट दे रहा है बी। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज ए बी ए बी, तो दैट इज द आउटपुट विद द मीले मशीन। अब मैं इक्विवेलेंस चेक करने के लिए, मेरा सेम आउटपुट आना चाहिए मूरे मशीन पे। अब मूरे मशीन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप आउटपुट की बात करोगे, तो आप इनिशियल स्टेट का जो आउटपुट है, आप उसे इग्नोर करेंगे। उसका रीजन क्या है कि इफ आई एम सेइंग कि इनिशियल स्टेट मेरी आउटपुट जनरेट कर रही है, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली जनरेटिंग द आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, ओके, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। इट कैन नॉट जनरेट द आउटपुट ऑन एप्सिलॉन। तो इसीलिए मैं इनपुट, दैट मीन्स मूरे मशीन के अंदर ये वाला जो आउटपुट है, इनिशियली सबसे पहले स्टेप में मैं इसे इग्नोर करूंगा, ओके। तो सबसे पहले आता है 0, तो Q1, अब आप मूरे मशीन से देख रहे हो, तो Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे, राइट। अब ये वाला आउटपुट मुझे नहीं देखना है, जैसे ही मैं Q3 पे जाऊंगा तो आउटपुट जनरेट हो जाएगा ए, राइट। क्योंकि 0 पे मैं Q3 पे जा रहा था, तो मैं Q3 का आउटपुट कंसिडर करूंगा। जैसे ही मैं Q3 पे पहुंचा, Q3 ने आउटपुट जनरेट कर दिया ए। नेक्स्ट आता है 1। अब Q3 से 1 कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू Q1। तो जैसे ही मैं Q1 पे पहुंचूंगा, आउटपुट जनरेट होगा बी, राइट। तो आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप स्कैनिंग शुरू करोगे इनपुट की, तब आपको ये आउटपुट इग्नोर करना है Q1 का। उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेप में आप उसे कंसीडर करोगे, राइट। तो Q1 पे मैं पहुंच गया, आउटपुट जनरेट हो गया बी। नेक्स्ट आता है मेरा 0। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू Q3। तो जैसे ही मैं Q3 पे पहुंचा, आउटपुट जनरेट हो गया ए, राइट। और फिर से 1 है, Q3 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे। तो जैसे ही मैं वापस Q1 पे आऊंगा, फिर से आउटपुट जनरेट होगा बी, है ना, स्टेट का आउटपुट है। तो सबसे पहले जो ए आया था, ये किसका आउटपुट था,
It was the output of Q3, then Q1, then Q3, then Q1. So you can see here we are getting the same output from both these machines. So these two are actually equivalent machine. ओके okay? तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। थैंक यू।